Voilà, ok, exhaust. ऑफिशियल वैसे ये लाइन इनकी है लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ ये यही बताएंगे गाइस मैं आज आया हूँ वैभव भाई के यहाँ और आज हमारी 7th वीडियो है और जिसको हम शूट करने आए हैं और अब हम शूट करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं शूट करने? अपने बाहर वाले एरिया में जहाँ पे हमारी लूना खड़ी हुई है। लद्दाख चल रहे हैं? लद्दाख नहीं जा रहे हैं हम लोग, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आज हम अपने घर से भी नीचे नहीं उतरेंगे। पर आपके लिए जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता दूँ, अभी भैया ने अपनी बाइक में 1,00,000 रुपये के साइलेंसर इंस्टॉल कराए हैं, तो उसी को लेके मैंने कहा यार आज ये वीडियो करते हैं, अच्छा कंटेंट है और मैं भी थोड़ा शौक था 1,00,000 रुपये के साइलेंसर डलवाने के लिए, हिम्मत चाहिए। तो भैया ने अभी अपनी बाइक में हार्ले डेविडसन में वो डलवाए हुए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको ये देखिएगा, इसमें जो एग्जॉस्ट डले हुए हैं इसमें डुअल एग्जॉस्ट होते हैं वन साइड में ही, तो ये इसके एग्जॉस्ट हैं। पहले से ही ये कंपनी का ही, ये कंपनी से आता है पहले से। तो ये आपने ये चीज़ जो इतने एग्जॉस्ट है ये इतने यहाँ से और सेकंड ये वाला, ये दोनों आपको इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। तो ये कौन सी कंपनी के हैं? स्क्रीमिंग ईगल। स्क्रीमिंग ईगल के ये एग्जॉस्ट भैया ने अपने हार्ले में इंस्टॉल कराए हैं। तो भैया इससे परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क आता है? परफॉर्मेंस में तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, पर मेनली इसका पर्पस होता है साउंड का, कि आपको साउंड अच्छी मिले। सुपर बाइक आपने लिए तो आप एक अच्छी साउंड चाहेंगे कि अच्छी मिले। तो अच्छी साउंड के लिए भैया ने इसमें जो एग्जॉस्ट फिट कराए हैं अभी, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 1,00,000 रुपीज़ है। तो अब मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि इसकी साउंड को सुने और एक्सपीरियंस करें कि कैसी। तो साउंड जो ये करती है, मतलब एक लाउड साउंड करती है या एक स्मूथ साउंड करती है? ये स्टॉक से ज़्यादा और लाउडनेस से कम। वी शेप में इसका इंजन होता है, देख सकते हैं आप। और एक सिलेंडर इसका कितने सीसी का होता है? 650-650 सीसी का एक सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर ये रहा और सेकंड सिलेंडर ये रहा, ये इसका एयर फिल्टर हो गया इधर। सो अब इतनी सारी चीज़ों के बाद अब मन कर रहा है कि इसका साउंड को पहले सुन लेते हैं हम लोग। तो आइए और बाइक को स्टार्ट करते हैं और साउंड सुनते हैं। और भैया इससे पहले मैं आपको बता दूं, भैया ने एक चीज़ बताई थी कि जब भी कभी आपके आसपास हार्ले डेविडसन हो और वो स्टार्ट हो रही हो तो इसके इंजन पे ज़रूर नज़र रखें, वो एक अपना सिग्नेचर मार्क देता है। एक मार्क देता है, वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इंजन पे नज़र रखते हैं पहले। तो ये रही कीज़ की, इधर साइड में लगती है और हम इंजन को इसके देखते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, भैया ने अगर इतने सारे पैसे खर्च किए हैं तो मौज भी पूरी ले रहे हैं वो। साउंड बहुत ही प्यारी साउंड आ रही है, एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाउडेस्ट नहीं है, किसी को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल गर्मी भी बहुत आ रही है, आप मेरे पसीने भी देख सकते हैं क्योंकि बड़ा इंजन है तो उतनी ज़्यादा गर्मी करता है। तो अभी लगभग गाड़ी 1 मिनट तक हमने स्टार्ट रखी और इसके अंदर पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, अभी मैं कहीं हाथ भी नहीं रख सकता। सो गाइस भैया ने बताया कि पूरे दिन के लिए एक बार बाइक छोड़नी पड़ती है आपको अगर इसको इंस्टॉल कराना है। तो इंस्टॉल कराने से पहले आपको इसको एडवांस में बुकिंग करनी होती है? हाँ, सारे एक्सेसरीज मैं मानता हूँ, सारी सुपर बाइक की एक्सेसरीज चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, हार्ले ही नहीं किसी भी कंपनी की, उसके मैं मानता हूँ पहले ही एडवांस देना पड़ता है और 3 से 6 महीने की बुकिंग करनी पड़ती है, वेटिंग और बुकिंग रहनी पड़ती है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और आगे हम हार्ले डेविडसन की और ज़्यादा वीडियो आपको देते रहेंगे, जैसे जैसे हमें इसकी नई नई चीज़ें कुछ कराएंगे, घूमने जाएंगे बहुत सारी चीज़, तो ब्लॉग्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। हम भाई को थैंक्स बोलते हैं सबसे पहले, भैया हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और उसी के साथ हम इधर गौरव भाई को भी बहुत ज़्यादा
थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि भैया दिन रात हमारे लिए लगे हुए हैं। सब्सक्राइब टू इंडियन राइडर ब्रदर्स, इंडियन राइडर ब्रदर्स फॉर हार्ले डेविडसन वीडियोस। और साथ में हमारे भैया हैं जो कि अभी म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन है और हमारे लिए ये सॉन्ग करेंगे, फिर उस सॉन्ग को हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे और फिर भैया का चैनल स्टार्ट होने वाला है। ये सरप्राइज है आपके लिए गाइस, देखते रहिए इनका गाना, दिवाली पे बहुत अच्छा आपको मिलेगा, दिवाली का तोहफा रहेगा आपके लिए। तो गाइस जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भैया का चैनल बनने वाला है उसको बनते ही सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैलेंज में। और ये हमारे जैद भाई खड़े हैं, बेचारे इतनी देर से कैमरा पकड़े खड़े हैं, ये बैकग्राउंड में कैमरा पकड़े खड़े हुए थे, इनकी बहुत मेहनत थी, बहुत ये भी है दीदी फराज भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी सारे भाई मेहनत कर रहे हैं हमारे। बोल भाई सभी के चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, वीडियो को सब में फैला दो एकदम बढ़िया करके। आग लगा दो, आग लगा दो।